हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पार्ट वन के बाद अब पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट टू भी प्रकाशित, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देखिए। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले करीब एक महीने से मैं एक इंटरनेशनल फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई से दूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भटवाड़ी तहसील के नाल्ड गांव में हूं और ये काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है और मैं एक बार फिर से आपके सामने बीते हुए दिन लेकर आऊंगा। बहरहाल आज बात हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार देव कोहली की। देव कोहली जी से मेरा परिचय करीब 20 साल पुराना था जब मैंने साप्ताहिक सहारा समय के अपने कॉलम बाकलम खुद के लिए उनका इंटरव्यू किया था। चूंकि मेरे पैतृक शहर देहरादून से उनका भी करीबी रिश्ता रहा इसलिए हमारा ये संपर्क लगातार बना रहा और फिर 3 साल पहले यानी साल 2020 में मैंने उनका एक बार फिर से इंटरव्यू किया और इस बार बीते हुए दिन के लिए। 26 अगस्त 2023 की दोपहर देव कोहली जी के निधन की सूचना मिली तो मेरा मन दुख के साथ साथ आत्मग्लानी से भी भर गया। दरअसल इन 3 सालों में लगातार व्यस्तताओं की वजह से मैं उनका इंटरव्यू टाइप तक नहीं कर पाया था और इसीलिए काफ़ी समय से मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया था कि कहीं वो इंटरव्यू के बारे में कोई सवाल न कर बैठे। लेकिन आज अचानक ये सूचना, काश कि मैंने उनका इंटरव्यू उनके रहते प्रकाशित कर दिया होता। हालांकि ये बात भी सच है कि वो तमाम दुनियावी बातों से इतना ऊपर उठ चुके थे कि इंटरव्यू का प्रकाशित होना न होना उनके लिए मायने नहीं रखता था। देव कोहली जी का जन्म 2 नवंबर 1942 को रावलपिंडी में हुआ था। उनके पिता जय सिंह कोहली सरकारी नौकरी में थे और माँ सोमवंती एक हाउसवाइफ थी। 4 भाइयों और 2 बहनों में देव कोहली चौथे नंबर पर थे। वो सिर्फ 3 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गई थी। देव कोहली की शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई जहाँ उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उधर रिश्तेदारों की सलाह पर उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। साल 1946 में शादी के बाद वो घूमने फिरने के इरादे से मसूरी गए तो देहरादून उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने वहीं बसने का फैसला कर लिया। उधर देव और उनके सभी भाई बहन रावलपिंडी से 10 मील दूर रवात में अपने चाचा चाची के पास रहने चले गए थे। साल भर बाद देश का बंटवारा हुआ तो देव और उनके सभी भाई बहन पहले दिल्ली और फिर अपने पिताजी के पास देहरादून चले आए। उनके पिताजी ने देहरादून में रेलवे स्टेशन के पास धामावाला में रेस्टोरेंट खोल लिया था। देहरादून में देव कोहली ने गुरु नानक स्कूल में एडमिशन लिया। उनकी 9वीं तक की पढ़ाई तो ठीक ठाक चली लेकिन मैट्रिक में वो फेल हो गए। देव के पिताजी के एक दोस्त उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। उनके बुलावे पर देव के पिता साल 1959-60 में रेस्टोरेंट बंद करके देव को साथ लेकर राउरकेला शिफ्ट हो गए। देव के बड़े भाई सरकारी नौकरी में थे इसलिए वो देहरादून में ही रहे। उनसे छोटे भाई मुंबई में मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते थे। देव के पिताजी ने राउरकेला में 2 रेस्टोरेंट्स खोले तो मुंबई वाले बेटे को भी उन्होंने राउरकेला बुला लिया जहां दोनों भाइयों ने मिलकर राशन की दुकान खोल ली। लेकिन इस काम में मन नहीं लगा तो वो दोनों साल 1964 में मुंबई चले आए। देव कोहली जी बताते थे कुछ ही समय बाद पिताजी गुजर गए। उनकी अंतिम क्रिया बड़े भाई के हाथों देहरादून में हम सभी भाई बहनों की मौजूदगी में की गई। मुंबई वाले भाई को पिताजी के रेस्टोरेंट संभालने के लिए राउरकेला जाना पड़ा और मैं अकेला मुंबई चला आया। मुंबई में देव कोहली जी ने खार के एवरग्रीन गेस्ट हाउस को अपना ठिकाना बनाया। उन्हें लिखने का शौक बचपन से ही था। फिल्मों में लिखने के उद्देश्य से उन्होंने फिल्मी लोगों से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। इसी प्रक्रिया में उनकी मुलाकात संगीतकार जी एस कोहली से हुई
जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई। देव कोहली जी कहते थे, एक रोज जीएस कोहली ने मुझसे एक गीत का अंतरा लिखने को कहा। उस गीत का मुखड़ा और एक अंतरा वो खुद लिख चुके थे और दूसरा अंतरा उन्होंने मुझसे लिखवाया था। वो गीत साल 1969 की फिल्म गुंडा का आशा भोसले का गायक कैबरे था। खुशी से जान ले लो जी, दिलो ईमान ले लो जी, जो बेला बोस पर फिल्माया गया था। फिल्म गुंडा के क्रेडिट्स में तीन गीतकारों में से एक नाम देव कोहली का भी था। हालांकि देव कोहली जी कहते थे कि जी एस कोहली ने भले ही वो गीत मेरे नाम कर दिया हो, लेकिन मैं अगर उस गीत को अपना कहूं तो वो बेईमानी होगी। लेकिन भयानक संघर्ष के उस दौर में जी एस कोहली ने उस गीत के मुझे 500 रुपए दिलवाए थे, उसके लिए जरूर मैं जी एस कोहली का आभारी हूं। देव कोहली जी का अर्जुन देव रश्क, अनजान और नक्श लायलपुरी जैसे प्रबुद्ध लेखक गीतकारों के साथ बांद्रा के मशहूर गजैबो रेस्टोरेंट में उठना बैठना और रचनाएं पढ़ना होता रहता था। एक रोज वो अपनी ताज़ा तरीन रचना पढ़ रहे थे। पास ही के टेबल पर बैठा संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर जी का मैनेजर भी उन्हें सुन रहा था। उसने देव को अपने पास बुलाकर उनकी रचना की तारीफ की और उन्हें अगले दिन शंकर जी से मिलने के लिए फेमस स्टूडियो बुलाया। शंकर जी से मुलाकात हुई। गीतकार शैलेंद्र को गुजरे हुए काफ़ी समय हो चुका था और शंकर जी किसी अच्छे गीतकार की तलाश में थे। उन्होंने देव कोहली की रचनाएं सुनी और उन्हें मिलते रहने को कहा और फिर एक रोज उन्होंने देव कोहली को सिचुएशन समझाकर मुखड़ा लिखने को कहा और देव कोहली ने लिखा, गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी। शंकर जी को यह मुखड़ा बेहद पसंद आया। उन्होंने उसी वक्त हारमोनियम पर धुन बनाई और यह मुखड़ा गाना शुरू कर दिया। माहौल बना तो देव कोहली जी ने भी उसी वक्त इस गीत के दोनों अंतरे भी लिख दिए। किशोर कुमार का गाया साल 1971 की फिल्म लाल पत्थर का यह गीत सुपरहिट रहा था। देव कोहली जी का पूरा नाम गुरुदेव सिंह कोहली था, जिसे उन्होंने शंकर जी की सलाह पर छोटा कर दिया था। दरअसल शंकर जी ने कहा था, इतना लंबा नाम ये तो पूरे स्क्रीन को घेर लेगा। आगे चलकर देव ने शंकर जी की साल 1975 की फिल्म सन्यासी के लिए भी एक गीत लिखा था, मर गया पहरेदार शहर की चुंगी का, शहर में चल निकला है फैशन लुंगी का। शंकर जी ने इसकी धुन भी बना ली थी, लेकिन ये गीत रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं जैसा सुपरहिट गीत लिखने के बावजूद देव कोहली जी का संघर्ष अगले 18 सालों तक जारी रहा। उस दौरान उन्होंने कुछ गीत लिखे जरूर, लेकिन न तो वो गीत कोई करिश्मा दिखा पाए और न ही वो फिल्में। साल 1966 में जी एस कोहली ने देव कोहली जी को अपने एक परिचित की प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी दिला दी थी। देव कोहली कहते थे, महीने में मेरा एक आध गीत रिकॉर्ड हो जाता था, उधर नौकरी का भी सहारा था, इसलिए गुजर बसर किसी तरह हो ही रहा था। लेकिन अचानक समय बदला। दरअसल साल 1989 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में देव कोहली जी के लिखे दोनों गीत आते जाते हंसते गाते और आजा शाम होने आई सुपर डुपर हिट रहे और देव कोहली जी को 21 फिल्में एक साथ मिल गई और इन्हीं व्यस्तताओं की वजह से उन्हें प्रिंटिंग प्रेस की नौकरी छोड़नी पड़ी। आगे चलकर देव कोहली जी के लिखे कई गीत सुपर हिट रहे, जैसे ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल, मिस्टर लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू, माई नी माई मुंडेरे पे तेरी बोल रहा है कागा, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया, दीवाना दिल बिन सजना के माने ना, मैं दूर चली जाऊंगी थाम खुशियों के जाम,
ओ अजनबी मेरे अजनबी। फिल्म लाल पत्थर के कुछ ही समय बाद देव कोहली जी का रुझान अध्यात्म की तरफ होने लगा था। वो समय के साथ साथ कृष्ण भक्ति में डूबते चले गए थे। मांसाहार और शराब से उन्हें विरक्ति हो गई थी। वो पूरी तरह सात्विक जीवन जीने लगे थे। मैं जब भी उनसे मिला, मैंने उन्हें गेरुए वस्त्रों में ही देखा। वो नियमित रूप से गीता पाठ करते थे। हर शाम 3 घंटे वो ध्यानावस्था में रहते थे। वो कहते थे, ध्यान के दौरान मुझे जो भी अनुभूति होती है उसे मैं कागज पर उतार लेता हूं। देव कोहली जी के अनुसार उन्होंने लगभग 175 गीत लिखने के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था। अगर कभी कभार कोई ऑफर आ भी जाता था तो वो विनम्रता से उसके लिए मना कर देते थे। हालांकि कृष्ण भक्ति पर 8-8, 10-10 गीतों की 9 प्राइवेट एल्बम जरूर उन्होंने की थी। साथ ही कृष्ण भक्ति पर ही 0 से 0 तक शीर्षक की उनकी किताब भी प्रकाशित हो चुकी थी। देव कोहली जी ने शादी नहीं की थी। वो अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। 26 अगस्त 2023 को उनके निधन की सूचना मिलने के बाद से मैं लगातार असमंजस में रहा कि शोक प्रकट करूं भी तो किससे? आखिर उनके परिवार में था ही कौन? तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार देव कोहली की। देव कोहली जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड और हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।